हेलो स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सभी स्टूडेंट को ये काफ़ी दिक्कत हो रही है कि क्या पढ़ा जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सिलेबस तो कन्फर्म नहीं की है कि सिलेबस कहाँ पर है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी किया था कि इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि क्या सिलेबस है इसका। तो मैंने भी काफ़ी बार कॉल किया, दो बार मेरा फ़ोन रिसीव हुआ था। मैंने पूछा कि इसका सिलेबस क्या है, तो वो बोलते हैं INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक साइट होती है, जो नर्सिंग का जितना कोर्स होता है वो यही कंडक्ट कराती है, इसी के अंडर में होता है। तो ये बोलते हैं कि INC की साइट पे इसका सिलेबस है, बट वहाँ पे मिलता नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अभी भी कॉल करके यहाँ से ये रिक्वेस्ट करिए ना कि इसी की साइट पे सिलेबस इसका अपलोड कर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश से संबंधित और बात करेंगे GK से संबंधित कि क्या सिलेबस रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड इसका कब आएगा। एडमिट कार्ड अभी देख लीजिए ना क्या लिखा है, एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम भी इन्फॉर्म आपको किया जाएगा। लास्ट डेट जो तो अभी 15 अक्टूबर की लास्ट डेट ही है, तो अभी तो लास्ट डेट ही नहीं ख़त्म हुई है ना। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एग्जामिनेशन डेट कह रहे हैं 4th वीक, मतलब लास्ट वीक अक्टूबर या 1st वीक नवंबर में होगा। तो कोई बात नहीं, आपका लगभग 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी तो काफ़ी समय है, काफ़ी समय का मीन्स एडमिट कार्ड के से रिलेटेड। तो जैसे आएगा वीडियो बनेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि GK में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज में। काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा और इसका कितने समय इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं। तो इसकी 2-3-4 वीडियो सिर्फ नॉलेज की बन चुकी है, मतलब इससे रिलेटेड, और तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कराई जा रही है। और जितनी भी वीडियो है चैनल पे ना, सभी वीडियो आप लोग रिवाइज करिए, पुरानी वीडियो जो 1920 में जो बनी थी ना मेरे चैनल पे है, सभी वीडियो आपको सीट इन नीट SEET सीट इन नीट NEET नीट चैनल, जैसे आप इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे चैनल आ जाएगा, वहाँ पे काफ़ी वीडियो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी वीडियो आप लोग को रिवाइज करने हैं। और जो ये भी पूछते हैं कि ये पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो ये पेपर ऑनलाइन होने वाला है। और जब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उसमें सेंटर फिलअप किए होंगे, सेंटर पर जाके देना है, घर पर बैठ के मोबाइल पर नहीं देना है। काफ़ी स्टूडेंट तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब वीडियो नहीं देखेंगे, बस कमेंट कर दिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 वीडियो इससे रिलेटेड है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो ये आपका जब पेपर होगा, ये इसमें कितने नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे ये देख लीजिए, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ये वहीं से है, मतलब जो इसके प्रॉस्पेक्टस में है वहीं से, अपना मैंने खुद नहीं लिखा है। तो 200 क्वेश्चन आएंगे और इसका जो पेपर होगा लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज ओनली रहेगा, हिंदी में पेपर नहीं रहेगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो ये देख लीजिए, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से 20% आएंगे, 20% मीन्स 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेंगे और जनरल नॉलेज दोनों मिला के 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहे और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन रहे, क्योंकि टोटल मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब वीडियो बनी हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा नंबर गेन कर लेंगे। 20 क्वेश्चन आएगा और 20 क्वेश्चन में हम लोग को ये समझिए 15 से प्लस कर गए तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यही सब प्लस पॉइंट होंगे। तो आप जनरल नॉलेज में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, सबसे अच्छा हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप ये लाइन पूरी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना, तो कोई ना कोई आपको पढ़ाता हुआ मिल जाएगा टीचर, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब सेकंड देख लीजिए, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये यूट्यूब पे जस्ट आप सर्च करेंगे ना सर्च बार में, ये आपको कोई ना कोई पढ़ाता हुआ मिल जाएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी इंडिया, ये आप पढ़ सकते हैं।
सरफेस सरफेस पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीपली पढ़ने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं। तो ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कोई ना कोई अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे। थर्ड पे देखिए, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ये सब भी पढ़ सकते हैं। सरफेस वाला सरफेस ऊपर ऊपर से, ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ पे इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, ये भी जीके का पोर्शन है, ये भी पढ़ सकते हैं। और फिफ्थ नंबर तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देख लीजिएगा, जनरल साइंस के बारे में भी देख लीजिएगा। तो ये सब आप इतना अगर कर ले गए तो आप ये समझिए 20 क्वेश्चन आएगा ना आप पे, 20 क्वेश्चन में आप 15 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। और यूपी में, यूपी से रिलेटेड जानकारी इसी में सब आएगी, तो लेटेस्ट भी इसी में, किस में आएगी लेटेस्ट, जो अभी जल्दी करंट इवेंट, तो ये सब हो जाएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए। और इंग्लिश की जो बात है, इंग्लिश की मैंने एक, जब ये इंग्लिश क्वेश्चन जो है जीएसबीएम कानपुर बीएससी नर्सिंग कराती है ना, तो अभी तो इसके फॉर्म भी नहीं आए हैं, तो इससे इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंग्लिश में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लिश का पूरा हो गया, आपका जीके हो गया। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड काफ़ी दिक्कत कर रहा है स्टूडेंट को कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अभी आप लोग उस पर फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड्स, अभी मैंने इसलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का नहीं बता रहा हूँ कि अभी तो मुझे भी 100% कन्फर्म नहीं है, ना ही आपको कन्फर्म है, ना ही अभी ये जो INC का वो, मतलब अभी जो ये करा रही है अटल बिहारी वाजपेयी, इसको भी नहीं कन्फर्म है क्या, क्योंकि अभी ये तो इनको सिलेबस तो डिसाइड करना चाहिए, बट ये अभी चलिए हम लोग अगर देखेंगे लास्ट तक नहीं आएगा तो कुछ करेंगे। तो अभी आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका इंग्लिश हो गया पोर्शन और जीके पोर्शन, ये सब करते रहिए। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।